मान दी थी कि हमारे साथ पाडर, नागशाना और डूल, ये अपना किश्तवाड़ के कुछ कुलीन, सुजमा या यहाँ तक त्रेगाम तक हमें मिलाया जाए, हमारी पॉपुलेशन जो है इसको सीधा पाडर कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम दिया जाए जाता था तो ये सबसे बेटर रहता। लेकिन इसके बीच में जो कुछ पुछाल को जोड़ा गया, जो कुछ अपना उस के अलावा और भी पुछाल है, सरकूट वगैरह कुछ ऐसे एरियों को जोड़ा गया है, जिससे हमें थोड़ा ये लगा कि ये कुछ प्रॉपर सही तरीके से डिलिमिटेशन का आंकड़ा नहीं जोड़ा था। उसमें से एनसी, कांग्रेस और बीजेपी तीनों जमातें जो है, तीनों पार्टी जो है, उनके बड़े बड़े अजगर जो है वो वहां काम कर रहे हैं, जबकि उस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे जो नौजवान कोई इंजीनियरिंग करके है, कोई जेई है, वहां एनसी के, कांग्रेस के और बीजेपी के वो लोग हैं जिन लोगों का उसमें मतलब क्या डंके की चोट से वो कहते कि आज हमारी पार्टी के वर्कर लगे, वो जिन लोगों को हक मिलना चाहिए उनको प्रॉपर हक नहीं मिले। मैं हूं ठाकुर रंगील। नाजरीन, इस वक्त में मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए महेंद्र सिंह राणा, जो पाडर के रहने वाले हैं और इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन पाडर वेलफेयर फ्रंट के नाम से इसके ये प्रेसिडेंट हैं। इनसे जानेंगे, जो हाल ही में डीलिमिटेशन की रिपोर्ट आई है उसमें किश्तवाड़ ने अलग अलग तीन कॉन्स्टिट्यूंसियां बनाई हैं, किश्तवाड़, पाडर और मुगल मैदान। आज बात करेंगे महेंद्र जी राणा से भी, उससे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या लोग इस चीज से सहमत हैं। महेंद्र सिंह जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। और क्या आप जो कुछ दिन पहले ही डीलिमिटेशन की रिपोर्ट आई, क्या आप उससे सहमत हैं? सर, सबसे पहले आपका चैनल का धन्यवाद। और रंगेल जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो डीलिमिटेशन सरकार द्वारा 2011 के सेंसस के मुताबिक हुई, हम इसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन यहाँ रीज़न ये है कि जिस तरीके से डिलिमिटेशन, चनाब वैली के अंदर की बात नहीं करूँगा मैं, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो डिलिमिटेशन हुई, तो मेरे हिसाब से जिस तरीके से ये होनी चाहिए उस तरीके से हम इस पर संतुष्ट नहीं हैं। क्योंकि खास करके आपने मुझे ये सवाल जो पूछा है, तो मैं अपने पाडर के एरिया को लेके जाऊँगा कि जब इलाका पाडर कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम तो दिया, हम उन लोगों का तय दिल से मतलब क्या हार्दिक स्वागत करते हैं, उन लोगों का जिन्होंने इसको पाडर कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम दिया। लेकिन इसमें हमारे साथ एक बहुत नाइंसाफी ये हो रही है कि जो ये तोड़ मरोड़ कर इधर से उधर जो गांव लाए हैं या कुछ एरिया जो है उनको जोड़ा गया है, तो मैं कहता हूँ ये सही क्लियरेंस नहीं है। हाल ही में आपको याद होगा कि रविंद्र रैना का एक ऑडियो जबरदस्त सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, कि आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक ही डिलिमिटेशन हुई है? मैं बोल्ड वॉइस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, इसका जवाब तो रविंद्र रैना जी देंगे क्योंकि वो भाजपा सरकार के अध्यक्ष भी हैं। खैर, मैं इसके रिगार्डिंग कोई कमेंट्स नहीं करना चाहूँगा। मैं एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट होने के नाते आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज़ को जरूर मतलब पहुंचाना चाहूँगा कि सरकार ने जो 2011 के मुताबिक जो सेंसिस की है, जब हम इसकी डिलिमिटेशन करने के लिए जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो हम अपना प्रपोजल डिलिमिटेशन रंजना डिसाई मैडम जी को देने हेडक्वार्टर के स्वाड में आए, तो उस वक़्त हम पाडर वालों ने मतलब अपना रिजोल्यूशन मैडम के आगे जब रखा, तो उसमें हमने जो आंकड़ा दिया, तो उस आंकड़े के मुताबिक हमने उनको डिमांड दी थी कि हमारे साथ पाडर, नागशाना और डूल, ये अपना किश्तवाड़ के कुछ कुलीन, सुजमा या यहाँ तक त्रेगाम तक हमें मिलाया जाए, हमारी पॉपुलेशन जो है इसको सिर्फ पाडर कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम दिया जाए जाता था तो ये सबसे बेटर रहता। लेकिन इसके बीच में जो कुछ पुछाल को जोड़ा गया, जो कुछ अपना उस के अलावा और भी पुछाल है, सरकूट वगैरह कुछ ऐसे एरियों को जोड़ा गया है, जिससे हमें थोड़ा ये लगा कि ये कुछ प्रॉपर सही तरीके से डिलिमिटेशन का आंकड़ा नहीं जोड़ा गया है। जो आपकी एसोसिएशन है, क्या इसके इससे आप पाडर में जो है काफी दूर दराज इलाका है, पहाड़ी गांव इलाके हैं, उसमें जो अगर इलाका पाडर में देखें बहुत ज्यादा गरीब लोग रहते हैं, क्या इस जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है इसके माध्यम से आप कोई काम करते हैं पाडर में? सर, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन आज की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पाडर वेलफेयर फ्रंट 2005 की ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले किसी भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी भी तंजीम का आज तक इलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन पाडर यू डेवलपमेंट फोरम पहले हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम था, जिसका इलेक्शन सब डिवीजन पाडर में हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ नायब तहसीलदार, इन द प्रेजेंस ऑफ
एसएचओ पार्ट, उस वक्त नियाबत पार्टर में थी, और 2005 में जब ये इलेक्शन हुआ तो हमने 1166 औरतों से मतलब वहां पे इलेक्शन करवाया, 3 कॉर्नरों से लोग जवान आए और उन जवानों ने अपना उसमें हिस्सादारी रखी और आउट डाले, तो उसमें से हमारा प्रेसिडेंट नियुक्त हुआ जिसका नाम था ओंकार सिंह प्रेसिडेंट जी, जो हमारे थे वो वहां पे इलेक्ट हुए। लेकिन इस तंजीम के अंदर एक सिस्टम ऐसा रहा कि बाद में उन्होंने उसको अपने मतलब प्रेसिडेंट, हमने तो उसको इलेक्ट किया और इलेक्ट होने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तो उस दौरान से हमने उससे अपने किनारा कर लिया। क्यों? क्योंकि हमारी तंजीम का टाइटल जो है वो बिल्कुल प्योर नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। मुझे जरा 170 और 35 एक्ट के खत्म होने के बाद ये भी दावे किए जा रहे थे कि जम्मू कश्मीर जो है नई राह पे जाएगा, जम्मू कश्मीर में अब ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है, आप मुझे जरा बताएं कि किस तरह, पिछले दिनों भी आपने देखा होगा कि किस तरह डीडीसी चेयरपर्सन धरने पे बैठी थी कि नौजवानों को लेकर के, और आप मुझे जरा ये भी बताएं जो पाडर इलाका है, भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पे भी बिजली नहीं है, पानी नहीं है। बड़ी अफसोस की बात है कि 1947 से लेकर आज 2022 है और अभी भी गाँव में रहने वाले लोगों को बिजली और पानी जैसी सुविधाओं से महरूम रहना पड़ता है। क्या 370 और 35 आय हटने के बाद क्या तस्वीर बदली है पाडर की? सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहता हूँ कि 370 जो तोड़ा है उसका हम स्वागत करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, ताल ठोक कर कहते हैं कि अच्छा हुआ। की बात छोड़ो आप, पाडर, दक्षिण, मड़ुआ, वाड़वन, नागशाना, इन सारे लोगों को कोई भी रोजगार नहीं मिला। वहाँ चंद बिचौली लोग ऐसे हैं, मैं तो सीधा सीधा यही कहूँगा, उसमें से एनसी, कांग्रेस और बीजेपी, तीनों जमातें जो है, तीनों पार्टी जो है, उनके बड़े बड़े अजगर जो है वो वहाँ काम कर रहे हैं। जबकि उस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे जो नौजवान, कोई इंजीनियरिंग करके है, कोई जेई है, कोई टेक्निकल है, कोई मतलब ये अपना प्लम्बर का काम करता, कोई इलेक्ट्रिशियंस का काम करता, लेकिन उन लोगों को, उन टेक्निकल बंदों को वहां पे नहीं लगाया गया। वहां चंद ऐसे लोग, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से फिर कहूंगा, वहां एनसी के, कांग्रेस के और बीजेपी के वो लोग हैं जिन लोगों का उसमें मतलब क्या डंके की चोट से वो कहते कि आज हमारी पार्टी के वर्कर रहेंगे, वो जिन लोगों को हक मिलना चाहिए उनको प्रॉपर हक नहीं मिला। बड़ी अफसोस की बात है, पावर प्रोजेक्ट इसलिए आए थे कि वसाइल जो है हमारे किश्तवाड़ का है, चाहे हमारा पानी है, जंगलात है, जमीन सब हमारी है, और बाहर से लोग आकर के नौकरियां करते हैं, इसके ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया क्या देना चाहेंगे? सर, मैं तो सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि आप तो लाल किले के उस प्लेटफॉर्म से जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें कहा था कि वहां गरीब का हक गरीब को मिलेगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, नौजवानों को एजुकेशन मिलेगी और सुविधाएं मिलेगी, मैं हाल ही में इस स्कूल एजुकेशन के बारे में आपको दो लफ्ज बोलना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, पाडर, दक्षिण, नागशाना और छात्रों को, क्या वहां के बच्चों को हम जम्मू के बच्चों के साथ कंपेयर कर सकते हैं? नेटवर्क की सुविधाएं देखो, ऑनलाइन पढ़ाई जो इन्होंने करवाई थी, हाल ही में रिजल्ट निकला, वहां का भी रिजल्ट देखो और यहां का भी देखो, क्या हम मेरे छात्रों का, मेरे दक्षिण का, मेरे मड़ुआ का, मेरे पाडर का, मेरे नागशाना ब्लॉक का कोई बच्चा जम्मू के किसी बच्चे के साथ कंपेयर करेगा? कोई नेटवर्क की सुविधा नहीं। मैंने इन आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय गवर्नर साहब जो हमारे जम्मू कश्मीर के बैठे हैं, मैं उनको गुजारिश करूंगा अगर वो मेरी इस वीडियो को देखते हैं या सुन रहे होंगे, मेरी उनसे हाथ जोड़ के यही विनती है कि जनाब आप उन इलाकों की नजरसानी करो जहां बेरोजगारी का भंडार है। आप सबसे पहले पानी की, जो आपने कही कि आपको बिजली पानी, मैं कहता हूं पाडर में हमारा इतना सत्यानाश है, जिसके घर में एक बल्ब जलता है सर उसको 375 रुपये लिया जाता है, और जिसके घर में 220 बल्ब जलते हैं उसको भी 375 में मतलब काउंट किया जाता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने डीसी को और गवर्नर साहब को और अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर जितेंद्र जी को ये कहना चाहूंगा कि क्या यही 370 का वो लाभ हमें मिल रहा है? तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि उन गरीबों को और देखो, बीपीएल कैटेगरी वालों को देखो, अन्नपूर्णा वालों को देखो, अंत्योदय वालों को देखो, सबको एक लेवल से जोड़ा जा रहा है सर। इन्हें का मसला यह है कि 370 जो टूटा था उसका हम स्वागत करते हैं, मगर उसके बाद जो होनी थी वो नहीं हुई। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ कि 370 टूटा है, लेकिन 370 के अंदर जो रूल, जो बेनिफिट्स हमारे लोगों को मिलने चाहिए वो हमें मिले, हम तो स्वागत करते हैं इस चीज का। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो नाज़रीन, अभी तक आप सुन रहे थे महेंद्र राणा को भी। अपने कारोबार को बढ़ाइए, अपने कारोबार का प्रचार करें जम्मू एंड कश्मीर के फास्टेस्ट ग्रोइंग न्यूज पोर्टल द बोल्ड वॉइस में एडवर्टीजमेंट देकर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच को यकीनी बनाएं।
मजीद जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 7006606193 पर राबिता करें।